तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी है 10 मीटर है और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है एक फ्लैग लगा हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे फ्लैग के टॉप से जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है फ्लैग की लेंथ बतानी है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो बिल्डिंग और जो यहाँ पे पी पॉइंट है इसके बीच की दूरी बतानी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बिल्डिंग की हाइट दे रखी है जो कि यहाँ पे कितनी है 10 मीटर है। तो हमें यहाँ पे ए बी गिवन है जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या करना है फ्लैग की हाइट को निकालना है जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे ए पी भी फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पे बिल्डिंग और पी पॉइंट की दूरी है। तो जो हमारे यहाँ पे बी डी है इसकी डिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं पता, इसको हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे एक्स। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे ए डी की डिस्टेंस होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 + x हो जाएगी क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ए डी है वो हमारा किससे मिलके बना है वो हमारे यहाँ पे ए बी प्लस बी डी से मिलके बना है। तो ए बी हमारे यहाँ पे कितना है 10 मीटर है और बी डी को अभी हमने यहाँ पे कितना माना एक्स माना। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + x हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा बिल्डिंग और पी पॉइंट के बीच की दूरी निकालूंगा। तो इसके लिए हमें जो ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा ए बी पी होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर तो गिवन है पर बेस नहीं गिवन। तो हम यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा बेस एंड परपेंडिकुलर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी पी। इसमें हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है टेन थीटा का फॉर्मूला लेके चलना है क्योंकि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसमें हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आ गया एंड बेस भी आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो हमारे यहाँ पे क्या है ए बी है एंड बेस हमारे यहाँ पे क्या है ए पी है जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। और थीटा जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 30 डिग्री का लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 10 मीटर था। हमें यहाँ पे निकालना क्या है ए पी निकालना है और 10 30 के जो हमारे यहाँ पे वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है 1/√3 होती है एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/AP हो जाएगा। यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा और यूनिट हमारे यहाँ पे किस में आएगी मीटर में आएगी। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग और पी पॉइंट की दूरी है वो हमारे यहाँ पे कितनी है 10√3 मीटर है। अब हमें यहाँ पे फ्लैग की लेंथ बतानी है मतलब हमें यहाँ पे BD फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेके चलेंगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल। हम यहाँ पे पूरा ट्राइंगल लेके चलेंगे बड़ा वाला जो कि हमारे यहाँ पे क्या है ADP है और इस ट्राइंगल का जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है। तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 10 45 डिग्री का परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा एंड बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। 10 45 डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है 1 होती है और AD हमारे यहाँ पे क्या था AB + BD था जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 10 + x है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या था 10 + x था और AP की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली 10√3 निकाली। यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10√3 इक्वल टू 10 + x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, x हमारे यहाँ पे एज इट इज़ एक जगह रहेगा और 10 हमारे यहाँ पे दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा 10√3 माइनस का 10 निकल के आ जाएगा। दोनों में हमारे यहाँ पे 10 कॉमन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हमारे यहाँ कितना हो जाएगा √3 - 1। तो एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आएगी 10 ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1 मीटर निकल के आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे फ्लैग की लेंथ निकल के आई जिसको हमने यहाँ पे BD ले रखा है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आई 10 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। इसको चाहे तो हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 1.732 लेके चलेंगे। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10√3 के जगह हमें यहाँ पे क्या पुट करना है 1.732 - 1 और यूनिट हमारी किस में आएगी मीटर में आएगी।
अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 0.732। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.32 मीटर निकल के आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी, और एक्स हमारे यहाँ पे क्या था, बीडी था, और बीडी हमारे यहाँ पे क्या, फ्लैग की लेंथ है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 7.32 मीटर निकल के आ गई। और जो यहाँ पे बिल्डिंग और पी पॉइंट की दूरी थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी, 10√3 मीटर थी। चाहे तो यहाँ पर भी आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।